नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर चर्चा करेंगे और तमाम जहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है खासकर वहां पर लोगों से बात करेंगे, इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे। आखिर HSRP है क्या और किस तरीके से यहां पर चालान होता है। बताया ये गया है कि करीब 5000 तक का चालान हो सकता है। और इससे पहले हमारे सहयोगी ओम सील ने इस पर स्टोरी भी की थी। ओम सील, एक बार दर्शकों को जरा बताइए कि पिछले वीडियो में आपने क्या कुछ दिखाया था दर्शकों को और HSRP होता क्या है। देखिए, HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होता है जो कि IND से वो स्कैन करके वो काफ़ी इजी हो जाता है पुलिस को ट्रैक करना और प्रशासन को ट्रैक करना। ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जो मैंने स्टोरी किया था उसमें ये था कि जितने भी लोग थे उन पे चालान लागू हुआ था उस दिन से, जो मूल्य तय की गई थी 5000 का वो तय हुआ था और वो सुचारू रूप से शुरू हो गया था। और उस समय प्रशासन का अवेयरनेस का दौर भी शुरू था और साथ ही वो चालान का भी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है उनका चालान भी कट रहा था और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें अगर वो पर्ची वगैरह दिखा देते थे तो उन्हें रिलीव कर दिया जाता था। आज वही हम फिर से जायज़ा लेने आए हैं कि अभी क्या माहौल चल रहा है रोड पर और चेकिंग अभियान कहाँ तक चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बिल्कुल, हम यही जानने के लिए आए हैं कि आखिर चेकिंग अभियान किस तरीके से चल रहा है। दरअसल एक चीज़ और जाननी बेहद ज़रूरी हो जाती है कि आम लोगों का तो चालान कट रहा है लेकिन जो लोग चालान काट रहे हैं क्या उनकी गाड़ी में HSRP की प्लेट लगी है या नहीं लगी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर पुलिस किस तरीके से चालान कर रही है और जो 5000 का मूल्य रखा गया है कि 5000 तक का चालान हो सकता है क्या उसी के आधार पर चालान किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये कहा गया था अधिकारियों की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कि जिनके पास रिसीविंग है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, क्या रिसीविंग दिखाने के बाद उन लोगों को छोड़ा जा रहा है या नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे सड़कों पर जाकर गाड़ियों पर ये देखेंगे कि जिस तरीके से HSRP का नियम आया है क्या लोगों ने इसको अप्लाई किया है, गाड़ियों में ये प्लेटें लग गई हैं या नहीं लग गई हैं, या फिर नोएडा में अभी भी बिना HSRP की गाड़ियाँ घूम रही हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा और लोगों से बात करेंगे और इसी पर कुछ अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है, तमाम पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है और हर गाड़ी को रोका जा रहा है और जांच की जा रही है कि उनकी नंबर प्लेट और उसके साथ साथ और अन्य कागजात उनके पास हैं या नहीं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और वो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात की जाए तो उन गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, जिन गाड़ियों पर हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है उनको रोककर उनका तुरंत चालान किया जा रहा है। हम दूसरी तरफ भी दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और चेकिंग अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर इन लोगों की गाड़ियों की बात की जाए, फिलहाल हमने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से बात की कि आपकी गाड़ियों पर क्या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी गई है, तो इन्होंने बोला है कि हाँ, हमारी गाड़ियों पर कहीं ना कहीं तमाम गाड़ियों में हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट लगा दी गई है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। जिस गाड़ी में प्लेट नहीं लगी है हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट उसको रोका जाता है और तुरंत चालान किया जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये नोएडा का सेक्टर 62 और ये देख सकते हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस मौजूद है, चाहे यहाँ की बात हो या फिर उत्तर साइड की बात हो जहाँ से 12-22 के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं सीधा नोएडा में पहुँचती हैं। और ये जो जगह है ये नोएडा और गाज़ियाबाद का बॉर्डर है, उस साइड गाज़ियाबाद है और यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये नोएडा है। तो इधर नोएडा पुलिस जाँच कर रही है और अभी हम गाज़ियाबाद साइड भी जाएंगे, उधर देखेंगे कि उधर किस तरीके से जाँच पड़ताल चल रही है और किस तरीके से चालानी कार्रवाई की जा रही है। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं तमाम पुलिसकर्मियों से कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है। सर, अगर जांच की बात की जाए तो किस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, किन गाड़ियों को रोका जा रहा है? जो गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं वो रोकी जा रही हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट वगैरह नहीं है। हाँ हाँ। जो आदेश ऊपर से पारित हुए हैं उसके अनुसार जो है। तो ऐसे में कितने का चालान है ऐसी गाड़ियों पर? सर, ये अधिकारी जो है इसके बारे में ये थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। अच्छा 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 सर,
एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए देखिए किस तरीके से फोटो लिया, और ये देखिए फोटो लिया और इसका चालान होगा इस गाड़ी का। सर जान सकते हैं कितना चालान कर रहे हैं आप ऐसी गाड़ियों पर? सर सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कर रहे हैं। हाँ, कितना चालान हो सकता है मैक्सिमम जिस तरीके से 5,000? अभी अभी हम लोगों ने TSI साहब ने 5 चालान कर दिए। जी जी, और बाकी देखिए कितने होते हैं। अच्छा, आप लोग चेकिंग अभियान तो बड़ा सघन तरीके से चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 5-6 लोग यहाँ पर खड़े हैं, जैसे ही कोई गाड़ी दिखती तुरंत रोक लेते हैं और इसके साथ तुरंत चालान किया जाता है। कहीं ना कहीं आप, मैं देख रहा हूँ कि तमाम गाड़ियों पर नंबर प्लेट दिख रही है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जी, ज़्यादातर काफ़ी गाड़ियों पर है, कुछ पुराने मॉडल हैं उन पर नहीं है। वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं लगवाने का, वो साइडें काफ़ी बिजी रहती हैं तो उस वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं, कुछ लोग लगवा भी रहे हैं। और कई सारी दिक्कत आती है, कुछ लोगों की आगे टूट जाती है, पीछे उनकी हाई सिक्योरिटी रहती है तो उनके साथ आगे भी समस्या है, बाकी उनका भी चालान कार्रवाई करती है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, सर इसका फ़ायदा क्या होता है हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट का, मुख्य वजह क्या है, इससे क्या कुछ सुविधा है, कैसी सुरक्षा मिलती है? सर उसका कोई कोड दिया गया है। जी जी, अब मोनोग्राम है उसका, हाई कोड सिक्योरिटी कोड है, उसके तहत उसका लिंक होता है ऑनलाइन, तो उसके लिए वो सुविधा है। इसके साथ साथ और अन्य तरीके से भी चालान कर रहे हैं जिनके पास कागजात पूरे नहीं है गाड़ियों के? हेलमेट है, विदाउट हेलमेट है, हेलमेट है, ऐसी गाड़ियों को तत्काल रोक कर तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आज चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उस पर क्या ये नंबर प्लेट लग गई? ज़्यादातर गाड़ी मैंने आप लोगों की देखी उसमें लगी ही दिखी मुझे है, जो अभी यहाँ पर मुझे गाड़ियाँ दिखी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं उसमें ये नंबर प्लेट लगा दी गई है? लगा रहे हैं सर, ज़्यादातर गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में लगा चुके हैं, पुलिस की गाड़ियों में जो अपने वाहन हैं सब लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, देखिए। तो सर आपका नाम? मेरा वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह हमारे साथ यहाँ पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जितनी इनकी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर गाड़ियों में नंबर प्लेट लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभियान जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभियान चल रहा है, तमाम पुलिसकर्मी खड़े हैं। जिस गाड़ी पर नज़र जाती है अगर होलोग्राम नहीं है, यानी कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं है, उसको तत्काल रोक लिया जाता है और इसके साथ तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। जो 5,000 का बोला गया था चालान उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ साथ अन्य गाड़ियाँ, अगर आपके पास नंबर प्लेट नहीं है और इसके साथ साथ नंबर प्लेट टूटी उस पर भी कार्रवाई की जाती है, अगर हेलमेट नहीं तो उस पर भी कार्रवाई। और ये देखिए एक गाड़ी पकड़ गई है और इस पर देखिए कार्रवाई हो रही है। इस पर जो मैंने पहले भी बोल रहा था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इस गाड़ी में नहीं है और इस पर ये कार्रवाई होगी और यहाँ पर रोक लिया गया है। क्या इस पर प्लेट जो बोला गया था आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। तो इस पर पहले बोल दिया गया था आप ऊपर से आदेश से, नहीं 5,000 का चालान होगा, क्या क्या वजह रही, क्यों नहीं कराया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी इसके बारे में मेरे को इतनी कोई जानकारी नहीं थी। एक्चुअली मैंने बुक कर रहा था, मैं ऑनलाइन होती है, अगर आपने ऑनलाइन होती है तो वो उसमें एरर आ रहा था। ये भी मैंने 3 से 4 दिन पहले ट्राई करी थी करना, तो उसमें एरर आ रहा था जिस वजह से मेरी नहीं हो पाई। उस वजह से नहीं हो पाई। कहाँ जा रहे थे आप? मैं भी दिल्ली जा रहा था। तो आपको लगता नहीं था कि रास्ते में चेकिंग हो रही इस तरीके से, सघन चेकिंग और कार्रवाई हो सकती है? तो अभी देखिए जैसे कि मैं उसको बुक कर रहा था, मेरी नहीं हो पाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब, ये बताइए। चलिए सर से बात करते हैं। जाना भी थोड़ा ज़रूरी था, अब वो नहीं हो पाई, उसमें एरर आ गया, ऑनलाइन मैंने करी थी, तो अब ये तो है नहीं कि मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अब कार्रवाई भी तो बनती है, जिस तरीके से बनती है वो मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई बनती है, अच्छी बात है ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें मेरी भी तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। अच्छा, आपने करने की कोशिश की लेकिन एरर आ रहा था, लेकिन इस गाड़ी का शायद हो सकता चालान हो, लेकिन ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर कैमरे पे कह रहे हैं कि हम एरर आ रहा था। एक बार सर से बात करते हैं, सर गाड़ी तो पकड़ ली आपने एक और? जी सर। किस तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से बोल रहे हैं एरर आ रहा था? सर इनका चालान किया जाएगा, चालान लगभग दिनों से लाइन खुली है, इन्हें कराना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं एरर आ रहा था, ये इस तरीके की दलील रखी। 3 से 4 दिन पहले मैंने ट्राई किया था वो एरर आ रहा था, जिस वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन इन पे कार्रवाई, नंबर भी देखिए इस पे किस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि नंबर भी सही तरीके से नहीं लिखा गया है इस गाड़ी पर। ये बाइक है, इसका चालान यहाँ पर हो रही है, चालानी कार्रवाई करीब पूछ लेते हैं एक बार, ये भी जानना जरूरी है कि कितने तक का चालान होगा। सर कितने तक का चालान होगा? सर इसका 5,000 का शायद। समझिए, अगर आपके पास नहीं है और इस वक्त आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी आगे बढ़ाएँ, यानी कि रोड पर चलाएँ।
अगर गाड़ी आपके पास है तो हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट जरूर लगवाएं, अगर नहीं लगवाएंगे तो इसी तरीके की कार्रवाई होगी, 5,000 रुपये ढीले करने पड़ सकते हैं। देखिए वो गाड़ी उधर से मुड़ रही है, लगता है हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट नहीं है, चालान यहाँ पर हो रहे हैं और रॉन्ग साइड वो देखिए भाग गए। और इस वक्त हादसा भी हो सकता है, हादसे को दावत दे रहे हैं भाई साहब, लेकिन घर से निकलने से पहले उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें जो सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पूरा करके चलें। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं चालान होते हैं, यहाँ पर पुलिस विभाग खड़ा हुआ है, तमाम अधिकारी खड़े हुए हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों पर, लेकिन लोग पहले से सचेत नहीं, जबकि ये लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं। देखिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एक बार और पूछ लेते हैं सर, थोड़ा सा सर, आप लोग लगातार जागरूक भी कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ, बताया भी जा रहा है, लोग समझा भी रहे हैं, फिर भी ऐसी लापरवाही सर है। इनकी लाइन क्या बोलते हैं उस पर, लाइन पे एरर आ रहा है, कुछ लोग वैसे भी करा रहे हैं, ज्यादातर लोग करा भी चुके हैं, अधिकतर लोग करा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, अगर किसी के पास रिसीविंग मिल जाती है जिसने अप्लाई किया, तो उसके साथ क्या होता है? उसको सर छोड़ टाइम दिया जाता है, छोड़ देते हैं, टाइम दिया जाता है। अच्छा, टाइम देते वो लगवा लेता है ना, उसके पास रिसीविंग है, वो कर चुका है। ठीक है, देखिए जिसके पास रिसीविंग है यानी कि वो अप्लाई कर चुका है, उसको छोड़ दिया जाता है, और जिसके पास नहीं है ये चीज़ें उस पर कार्रवाई की जाती है। अपने सहयोगी के एक बार बुलाएंगे, सहयोगी एक मिनट इधर आइए। ओम ओम, कार्रवाई लगातार हो रही है, आप भी देख रहे हैं लगातार किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस की गाड़ियों की जो हम लोग बात किए थे, फिलहाल तमाम पुलिस की गाड़ियों में नंबर प्लेट देखने को मिल रही है, लेकिन रास्ते में जब हम आए तो एकाध गाड़ियों में नहीं थी नंबर प्लेट, नहीं थी। और क्या कहते हैं, जिस मुस्तैदी से ये अपना ये दूसरे लोगों का, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर परेशान क्या कह ले, ये तो कार्रवाई है, कार्रवाई तो हो रही है, पर वो अपना भी तो देखे। सरकार पहले अपनी चीज़ें मुस्तैद करे, उसके बाद अगर आम जनता को और क्या कहते बाकी लोगों को अगर उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है, उसके लिए रोकना है, तो रोके, पहले वो अपना ठीक करे, अपनी चीज़ें ठीक करे, अपने सारे वाहनों पे हाई सिक्योरिटी नंबर लगाए। सत्य मैं बता दूं, जब हम आ रहे थे तो आपने देखा होगा 3 से 4 जिप्सी हमने ऐसी देखी जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं था। मैं जिक्र करना चाहूँगा थाने का भी, सेक्टर 63 का वो थाना, चाहे वो सेक्टर 62 हो, जितनी भी जिप्सियाँ उनके बाहर लगी हुई थी या उनके बाहर चल रही थी, उनमें से किसी में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं था। वही पुराने ज़माने का नंबर प्लेट था जो कि एक प्लेट पे लगा होता था, सिर्फ वही नॉर्मल नंबर जी, नॉर्मल नंबर प्लेट था। लेकिन जहाँ पर जो पुलिसकर्मियों से हमने बात की, इनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी मैंने देखी हैं, उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन तमाम गाड़ियों में, जिस तरीके से हमने बताया भी कि तमाम गाड़ियों पे नहीं थी, लेकिन अब जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो हम आपको लाइव कार्रवाई दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। इनका चालान भी काट दिया गया है और यहाँ पर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी खड़े हुए हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसी हर एक गाड़ी पर नज़र रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, और ऐसी गाड़ियों को ये जाने नहीं देते, तुरंत रोक कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही। जिस तरीके से कहा गया था 5,000 तक की कार्रवाई की जाएगी, ठीक उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही। चलिए और आगे देखते हैं, और जगह जहां पर चेकिंग चल रही वहां पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। चलिए ओम, अब हम सेक्टर 62 से सीधा RTO ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये एक सरकारी वाहन है जिसमें HSRP की प्लेट नहीं लगी है, इसमें पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई है और ये पुलिस की जीप है। देख सकते हैं कि सरकारी वाहनों में अभी HSRP की प्लेट नहीं लगी है, कहीं ना कहीं ये लोग भी जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर इनका चालान कौन करेगा, आम आदमी का तो चालान किया जा रहा है, लेकिन तमाम सरकारी वाहन हैं जिनमें अभी HSRP की प्लेट नहीं लगी है, आखिर इन वाहनों का आखिर चालान कौन करेगा, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ से बेखबर क्यों हैं, आखिर तमाम बड़े सवाल हैं। तो हम आगे बढ़े और नोएडा से अब हम गाजियाबाद में इंटर कर चुके हैं। ये देखिए वहाँ लिखा मोहन नगर और वसुंधरा के लिए जाने के लिए ये बोर्ड लगा हुआ है और हम मोहन नगर में हैं, माफ़ करिएगा, हम इस वक्त गाजियाबाद में हैं। ये मोहन नगर और वसुंधरा के लिए रास्ता जाता है और यहाँ पर भी चेकिंग अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। देखिए गाड़ी रोक ली गई है और शायद हो सकता है इसका चालान हो, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस की गाड़ी की जिस तरीके से बात हुई थी सरकारी वाहनों की, उसमें भी कहीं ना कहीं कई जगह पर मुझे देखने को मिला है कि वहाँ पर हाई
सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो लगा दी गई है। अब इस गाड़ी का क्या हो रहा है जरा देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें जो HSRP नंबर प्लेट नहीं है, इसलिए इसको रोका गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, HSRP, ये गाड़ी दिल्ली की है, दिल्ली नंबर प्लेट है, लेकिन इसमें HSRP की जो बात मैं कर रहा हूँ लगातार आपसे कि 5,000 रुपये ढीले करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और गाज़ियाबाद में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से धुआंधार तरीके से चल रही है। हमारे सहयोगी भी देखिए उधर नज़र बनाए हुए हैं, वो भी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, वो फिलहाल पुलिस की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी हो जाता है ना कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में HSRP की प्लेट लगी है या नहीं लगी है, या फिर ये आम लोगों की गाड़ियों को ही चेक करते हैं, इस पर भी इनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो देखना बन जाता है इस वक्त। सर, इस पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? इधर थोड़ा सा, इसका जो फाइन है वो 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए तक का जुर्माना सीधा, इससे कोई कम ज्यादा नहीं? नहीं सर, इतना ही होता है। और अगर इसमें और कम कागज पाए गए तो उसका भी फिर फाइन लगेगा। उसका भी फाइन लगेगा। और अगर इनके पास रिसीविंग इसकी मिल गई, इन्होंने अगर अप्लाई किया हुआ फिर छोड़ दिया जाता है ऐसा मैंने सुना? अगर हाँ, रिसीविंग अगर इनके पास में है तो छोड़ देंगे उसको। अच्छा, भैया इसकी रिसीविंग वगैरह आपने अप्लाई किया? चोरी हो गई, अप्लाई किया हुआ है। चोरी हो गई? कल पार्किंग के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। हाँ, 1-1.5 महीने पहले। पीछे वाली ओरिजिनल है? पीछे वाली ओरिजिनल है, वो अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से कोरियर होके आएगी घर पे। अच्छा, मतलब गाड़ी आगे नहीं लगा है, लेकिन पीछे आपकी नंबर प्लेट बकायदा लगा रखी गई है। देखते हैं पीछे, पीछे जो चीज़ें हैं गाड़ी में, एक बार बोलूँगा कैमरामैन से, एक बार इधर आइए। इसमें HSRP की जो प्लेट है वो लगी हुई है, लेकिन पीछे लगी हुई है, आगे की प्लेट चोरी हो गई है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आखिर चोर HSRP की प्लेट चोरी करके करेगा क्या? हो सकता है इनकी टूट गई हो, लेकिन एक बार। अच्छा सर, प्लेट चोरी कैसे हो गई? सर, चोरी का कैसे पता लगता है, कैसे होती है? प्लेट भी चोरी हो जाती है सर? इनकी गाड़ी की बता रहे हैं कि चोरी हो गई और इन्होंने FIR करा रखी है। FIR करा है क्यों? अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट उतार के घूमूंगा जब ओरिजिनल है पीछे वाली? जवाब नहीं बनता अगर इन्होंने FIR करा रखी है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। पीछे तो लगी हुई है इनके नंबर प्लेट जो है तो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप अपना काम करिए, बाकी मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ और चीज़ें दिखाते हैं। ये भाई साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं, गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, जरा जान लेते हैं सुबह से कितनी गाड़ियाँ पकड़ ली? लगभग 5 से 7 गाड़ियाँ। 5 से 7? क्या नाम है? हिमांशु मलिक। हिमांशु मलिक, 5 से 7 गाड़ियाँ पकड़ ली? जी। HSRP वाली? जी, HSRP। फिर और भी कार्रवाई कर रहे हैं? HSRP। हेलमेट वगैरह भी देख रहे हैं? हेलमेट वगैरह देख रहे हैं। जागरूक भी करते हैं लोगों को? जागरूक करते हैं। जागरूक भी करते हैं, लगातार गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ अब ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पुलिस वाले जो नियम इन लोगों पर लागू है, क्या उन पर भी नियम लागू है? वो इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा काम कर लें वो अपना, इसके बाद हम सर से बात करेंगे कि आखिर आप इन सब तमाम चीज़ों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर थोड़ा उधर चलिए। तो हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और ट्रैफिक काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, और गाड़ी भी बड़ी तेज़ से आ रही है, थोड़ा साइड हो जाना चाहिए और ट्रैफिक में बाधा भी नहीं बनना चाहिए। आगे हम बाहर निकलेंगे और पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लोग पालन कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों का, क्यों जरूरी बन जाता है ना कि आप लोग पालन कर रहे हैं। सर थोड़ा इधर आइए। सर, जो HSRP नियम है इन लोगों पर लागू होता है, आप पर भी तो लागू होता है? हाँ जी, हमारे भी लागू है। हमारे वाहन पे, हमारे साथी का वाहन है, देखो इस पे HSRP जो नंबर प्लेट लगी हुई है। तो आप लोगों ने लगवा रखी है? हाँ जी, मैंने अपनी बाइक पर भी लगवा रखी है। ये देखिए, ये जो वाहन है ये ट्रैफिक पुलिस का वाहन है और इसमें इन्होंने HSRP की जो प्लेट है वो लगवा रखी है। जिस तरीके से हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा दे रहे हैं दर्शकों को, ये HSRP की ये लोगो लगा हुआ है, ये नंबर दिया गया है, ये ट्रैफिक पुलिस का वाहन है और इसमें HSRP की जो प्लेट है वो लगाई गई है। हम लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों से बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जानना जो मैंने कहा था कि बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस कर्मियों की गाड़ी में चीज़ लगी है, यानी कि HSRP प्लेट लगी है या नहीं लगी है, तो वाहन हमें मिल गया है और इसमें बाकायदा प्लेट लगा रखी है और इसके साथ साथ ये और भी गाड़ियों को यहाँ पकड़ रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं ये जवान यहाँ पर खड़े हैं, दो लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये गाज़ियाबाद के लिए रास्ता गया है, CISF आगे से है, CISF का आगे कैंप बना हुआ है और यहाँ पर ये तमाम गाड़ियों को पकड़ रहे हैं जिन पर
जिन पर HSRP की प्लेट नहीं लगी है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं है, कागजात चेक किए जा रहे हैं, हेलमेट वगैरह चेक किया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और जहां जहां चेकिंग चल रही वहां पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और ये भी बेहद जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सरकारी वाहनों में ये नियम लागू हुए हैं या नहीं लागू हुए हैं, तो इस पर भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कुछ आगे चल रहा है और जाँच किस तरीके से चल रही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरी हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये एक मोटरसाइकिल है जिसमें आप देख सकते हैं अभी HSRP प्लेट इसमें भी नहीं लगी है, इसमें भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई है और धड़ल्ले से ये सड़कों पर फर्राटा भर रही है। लेकिन चेकिंग अभियान जो है वो मुस्तैदी से चल रहा है, जगह जगह पर पुलिस चेक कर रही है, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है और ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी की जा रही है और करीब 5,000 तक का इनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ वॉच इंडिया दिखा रहा है, हम पड़ताल पर निकले हुए हैं। तो सरकारी वाहनों के साथ साथ हम ये आम जो गाड़ियां हैं उनको भी हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसमें भी HSRP की जो प्लेट है वो नहीं लगी हुई है, पुरानी नंबर प्लेट का प्रयोग किया गया है और ये सड़कों पर फर्राटा भरती हुई दिखाई दे रही है। अब हम RTO ऑफिस में मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है। अब हम RTO अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस अभियान को किस तरीके से चला रहे हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी ओम अधिकारी से बात करेंगे और उस पर इनका क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखाते हैं, चलिए। हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए RTO के जन सूचना अधिकारी सियाराम वर्मा जी। हम उनसे जानेंगे जो HSRP पे अभियान चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कैसे उससे अवेयरनेस के तौर पे फैलाया जा रहा है और कैसे ये सारी चीज़ें ये चला रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। थैंक यू सर। किस तरीके से ये अभियान को चलाया जा रहा है अभी तक, कुछ आंकड़ा वगैरह प्रस्तुत हुआ हो या फिर कितना मूल्य है तय किया गया है इसके चलान वगैरह का, बताएं। देखिए ये अभियान लगातार 2 साल से चल रहा है। पहले तो समाचार पत्रों के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। आफ्टर देन जब लोग इसमें मतलब बराबर मात्रा में ये HSRP नहीं लगवा रहे थे तो RTO में उनका जो काम होता है, जैसे गाड़ी का ट्रांसफ़र कराना हुआ, गाड़ी का बीमा कराना हुआ या HPA कटवाना हुआ, इस तरह जो भी RTO से रिलेटेड काम होता वो सारे काम रोक दिए गए। तो उससे पब्लिक ने फिर अपना काम कराना शुरू किया और इसमें बीच बीच में पब्लिक को सहूलियत भी दी गई कि एक टाइम बाउंड तक मतलब इस काम को रोक दिया गया, फिर उसको ओपन कर दिया गया, 3-4 महीने बाद फिर बंद कर दिया गया। तो इस तरह कई बार ब्रेक दे करके पब्लिक को जागरूक किया गया ताकि लोग अपना काम कराने के लिए जाएं और HSRP लगवाएं। तो सर ये जो हम देख रहे हैं HSRP, ये आम लोगों को लगवाना क्यों ज़रूरी है, मतलब HSRP में ऐसा क्या है जो लोग लगवाएं और ये सारी चीज़ें करें? इसके नाम से ही जैसा आपको मतलब पता चलता है HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पहले के जो नंबर प्लेट लगते थे उसकी तुलना में ज़्यादा सेफ है ओनर्स के लिए। और उसमें एक चिप लगी होती है जिस चिप के माध्यम से सारा डिटेल्स कहीं भी गाड़ी अगर है तो उसका जाना जा सकता है। दूसरी चीज़ होता है ये जो नंबर प्लेट लगता है इसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग जैसे किसी अपराध को अंजाम देते थे तो नंबर प्लेट चेंज कर देते थे, तो चूंकि अब वो पहले वाले नंबर प्लेट वैध नहीं रह गए हैं इसलिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही वैध होने के कारण आप उसको आसानी से बदल नहीं सकते हैं। तो अपराध वगैरह के नियंत्रण में इससे आसानी मिलेगी और नंबर प्लेट से ही गाड़ी का सारा डिटेल जाना जा सकता है। सर हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो बहुत लोग अवगत नहीं थे इन सारी चीज़ों से, तो कुछ अवेयरनेस का दौर वगैरह भी चलाया गया पहले या फिर अभी चलाया जा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी चलाया गया और आज भी, अभी हम आप बैठे हैं तो यही काम कर रहे हैं कि आपके दर्शक इसको देखेंगे और अवेयर होंगे। तो इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है अवेयरनेस पर
और अब तो मतलब हमारे यहाँ मतलब हमें कह सकते हैं कि लगभग 70-80% लोग HSRP लगा चुके हैं। अब परिवर्तन कार्रवाई हो रही, उससे लोग जो है अपना आराम से लगाएंगे, पेनलाइज होंगे। सर, हम अभी स्टोरी कवर कर रहे थे पिछले 1.5-2 घंटों से, तो हमने देखा जैसे पुलिस प्रशासन अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, पर वहाँ पे हमने देखा कि जितनी ही पुलिस की गाड़ी है, चाहे वो जिप्सी हो या उनकी बाइकें हो, सरकारी जो बाइकें हो, उनमें से मैक्सिमम ऐसी वाहन थी जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं थी। तो आप आम आदमी लोग के, आम लोगों की चेकिंग हो रही है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, पर प्रशासन भी कब अपने अपनी चीज़ों को लेके मुस्तैद होगी और अपना सारा अपना हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाएगी? नहीं नहीं, प्रशासन के लोग भी लगवा रहे हैं, किन्हीं कारणों से रह गया होगा। मतलब मैं कह ही रहा हूँ कि 20% गाड़ियों पर अभी नहीं लगा है, तो उसमें प्रशासन की भी कुछ गाड़ियाँ हो सकती हैं। अब उस गाड़ी पर कौन बैठा हुआ है, अगर आपको मिला तो कम से कम उसकी आपको एक बाइट लेनी चाहिए, भैया आपने क्यों नहीं लगाया अभी तक। सर दिक्कत यही हुई ना, ऑन कैमरा कोई पुलिसकर्मी बोलने को तैयार नहीं थी, कहीं नहीं थे, तो दिक्कत यहाँ पे है। और हमने विजुअल बजाबता लिया उन सारे गाड़ियों का, नंबर प्लेट हमने देखा, पर यही विश्वास है कि सारे लोग लगा लेंगे। मतलब ये 20% लोग ही बचे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोगों की गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन लगा लेंगे। और अगर आपके पास ऐसे चिन्हित लोग हों तो हम भी उनसे अनुरोध करेंगे, आप बताइए। तो ये अभियान लगातार चल रहा है नोएडा और गाज़ियाबाद की। हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर अभियान चला रहे हैं और लगातार ऐसी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं और उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और इसको लेकर हमारे सहयोगी ओम ने RTO अधिकारी से भी बात की। RTO अधिकारी का भी साफ तौर पर यही कहना था कि ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और बड़ा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।